स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक बार फिर से आप सबको गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पर अपडेट देने जा रहे हैं। वो अपडेट ये है कि गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को लेकर प्रतिक्रियाएं सरकार की तरफ से काफ़ी तेज़ हो गई हैं, यानी कि बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन का भी काम स्टार्ट हो सकता है। और हाँ दोस्तों, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे जो है ये CA6 लेन का होगा और इसकी जो लेंथ है 700 किलोमीटर होगी। और ये एक्सप्रेसवे 22 जिलों से होकर गुजरेगा। उन जिलों की अगर बात की जाए तो दोस्तों गोरखपुर से शुरू होकर संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहाँपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, बरेली, संभल, मुजफ्फरनगर होते हुए शामली तक ये एक्सप्रेसवे पहुँचेगा। और इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े एरोप्लेन्स विमानों को उतारने के लिए भी कुछ जगहों पर हवाई पट्टियां भी बनाई जाएगी, ताकि ऐसा कभी इमरजेंसी के टाइम में भी यहां पर विमान भी उतारे जा सकेंगे। और यह एक्सप्रेसवे एक तरह से नेपाल के सीमा से काफ़ी करीब होगा, तो जिस कारण इस एक्सप्रेसवे की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब सारे प्रोजेक्ट पर अपडेट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, गोरखपुर से तो दोस्तों ये तीसरा एक्सप्रेसवे होगा, क्योंकि ऑलरेडी गोरखपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि 90% काम उसका पूरा हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अलावा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बन रहा है, और उसमें उसके लिए भी जमीन अधिग्रहण का भी काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। और इसी के साथ और ये तीसरा तोहफा है गोरखपुर के लिए, जो कि गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे होगा। और हाँ दोस्तों, इसी गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पर यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी शानदार और लॉजिस्टिक पार्क की भी स्थापना करने का प्रस्ताव बनाया है। लॉजिस्टिक पार्क के स्थापना हो जाने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी। इस समय उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और इसके अलावा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी शामिल है।